अब्रॉड मूव होना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसे अटेस्टेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके अब्रॉड जाने की जर्नी में। क्योंकि जब 2018 में जब मैं भी जा रहा था तो मैंने भी HRD अटेस्टेशन कराया था, तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले कि HRD अटेस्टेशन होता क्या है, क्यों कराया जाता है, कितना कॉस्ट लगता है, कितना टाइम लगता है एंड सो ऑन। सबसे पहले जाने दोस्तों हम कि ये HRD अटेस्टेशन होता क्या है। तो HRD अटेस्टेशन दोस्तों क्या होता है कि एक अटेस्टेशन होता है जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, जिससे कि आप इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर वीजा अप्लाई कर लें फिर या फिर आप जो है किसी भी फॉरेन कंट्री में जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर इनको यूज कर सके। सो ओवरऑल इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स। अगर और सरल भाषा में हम दोस्तों बात करें तो आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसको यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट ऑथेंटिक और जेन्युइन बनाती है इस प्रोसेस के थ्रू। नाउ कैसे होता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको बता देता हूँ कि यार ये जो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर होता है, बैक साइड पर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है बैचलर्स किया हुआ तो आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट 10th 12th सब पर हो जाएगा, अगर आपने 12th किया हुआ तो आपके 10th और 12th के बैक साइड पर होने वाला है। प्रोसेस की बात करें तो दो सिंपल स्टेप्स में ये हो जाती है। पहली स्टेप होती है यूनिवर्सिटी अटेस्टेशन। यूनिवर्सिटी अटेस्टेशन में क्या होता है कि जहां से भी आपने या तो स्कूलिंग की है या फिर आपने यूनिवर्सिटी की है वहां पर जाकर आपको सबसे पहले स्कूल की या फिर यूनिवर्सिटी की सील और साइन करवानी रहेगी। सिंपल, ये काफी सारी स्टेट्स में नहीं करवाना रहता तो आप फर्स्ट स्टेप्स के भी कर सकते हो कुछ स्टेट्स में। सेकंड स्टेप इसके बाद आता है दोस्तों, आपको अब जाना है HRD मिनिस्ट्री। HRD होता है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी मिनिस्ट्री में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहां पर जाकर आपको जो है अब जो है अटेस्टेशन करवाना रहेगा। अब इसके लिए काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स में आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, कुछ स्टेट्स में आपको प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। आप डायरेक्टली उनके ऑफिस पर जा सकते हैं और जाकर जो है अटेस्टेशन करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर MP की बात करूँ तो MP में जो है ये भोपाल में है, वल्लभ भवन में। तो ऐसे ही जिस भी स्टेट से आपने अपनी डिग्री करी है वहां से दोस्तों आपको जो है स्टेट के कैपिटल में जाना है। कैपिटल में जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, वहां पर सेक्रेटरी से जो है आप इस पर सील करवा सकते हैं। बस ये सील का ही इंपॉर्टेंट है, वो सील जो होती है दोस्तों स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे उस पर ऑथेंटिकेटेड लिखा रहता है। और मैंने 4 स्टेट्स के आपको अलग अलग जो है ये भी दिखा दिए कि कैसे HRD अटेस्टेशन का स्टैम्प दिखता है। इट्स जस्ट अ स्टैम्प दोस्तों जो कि आपको करवाना रहता है आपके स्टेट की HRD मिनिस्ट्री से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ही हम एक्सपीरियंस लेते हैं तो मैंने जो है अपना एजुकेशन इंदौर से किया है, वो MP स्टेट में आता है, तो MP का जो कैपिटल है वो भोपाल है, तो मैं भोपाल में जो है HRD मिनिस्ट्री के ऑफिस में गया था और वहां से मैंने जो है अटेस्टेशन करवाया था। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने रहेंगे जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपके पास सारा आपका इंपॉर्टेंट पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, सारे जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है आप सारे ले जाए। इसके साथ में आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, या तो अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो जॉब ऑफर, अगर आप जो है यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आपको सिर्फ 2 फोटोग्राफ्स चाहिएगी, दैट्स इट, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए लगने नहीं वाला है। लेकिन अगर इसके हम टाइम प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो टाइम डिपेंड करता है, अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, 28 स्टेट से दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हर एक स्टेट में ना अलग अलग प्रोसेस होती थोड़ी सी। तो कहीं पर जो है आपको विद इन अ डे हो जाता है आपका अपॉइंटमेंट, कहीं पर 30 डेज तक का भी टाइम लग जाता है। सो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में अगर हम बात करें तो मेरा HRD अटेस्टेशन सिर्फ 1 दिन के अंदर ही हो गया था, मतलब मैं सुबह गया था, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया और शाम को 5:30 पर मुझे अपना डॉक्यूमेंट मिल गया था। कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो कॉस्ट भी डिपेंड करती है। अब कुछ स्टेट्स में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मेरी स्टेट में फ्री ऑफ कॉस्ट था, कुछ स्टेट्स में आपको 1000 तक का चार्ज लग सकता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको चार्ज नहीं लगने वाला है। तो काइंड ऑफ कह सकते हो कि HRD एक तरीके से फ्री में ही होती है, मोस्ट ऑफ द सिटीज, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में तो जो है फ्री में ही होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो जब भी आप जाएंगे सेंटर पर, ऑफिस पर, तो वहां पर आपको जो है दोस्तों सब डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज जरूर लेकर जाइएगा। और कई केसेस में आपको प्रायर अपॉइंटमेंट भी बुक करनी पड़ती है, तो आप ये जरूर पता लगा लीजिएगा कि आपके स्टेट के HRD ऑफिस में कहीं प्रायर अपॉइंटमेंट तो नहीं लग रही है। थर्ड दोस्तों, अटेस्टेशन है जो है ना, ये HRD अटेस्टेशन, वो आपकी डिग्री के बैक साइड पर होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी अगर डिग्री लैमिनेटेड है तो आपको लैमिनेशन हटवाना रहेगा, वो बेटर होगा। और मैं एक और चीज रिकमेंड करूंगा, कई बार होता है कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ डिग्री पर अटेस्टेशन करवा लेते, बट
बट कोशिश ये करिएगा कि सारे ही डॉक्यूमेंट्स पर एक साथ आप जो है अटेस्टेशन करवाए तो बेटर होगा, ताकि इन फ्यूचर पे अगर कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कई बार कई देशों की एम्बेसी उन डॉक्यूमेंट्स पर भी जो है एचआरडी मांग लेती है। सो एक बार और स्क्रीन पर बता रहा हूँ, इस तरीके से ये जो है दिखता है कि एचआरडी अटेस्टेशन का स्टैंप लगता है, जिसमें लिखा रहता है कि अटेस्टेड है और साथ में नीचे सेक्रेटरी का नेम और सिग्नेचर होती है और डेट लिखी होती है। सो अगर इसके बाद भी आपको एचआरडी अटेस्टेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, तो आप वहां से भी मुझे ईमेल कर देंगे तो मैं प्रॉपर, और स्टेट का अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको जो है अपडेट कर दूंगा। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर भी मैं डेली अपडेट्स अपलोड करता रहता हूँ रिलेटेड टू स्टडिंग इन इटली। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।